अमर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था, और वो किसान आज भी वहाँ बैठे। बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के इस बयान से ऐसा तूफान उठा कि किसान संगठनों से लेकर विपक्ष तक सब सरकार पर हमलावर हो गए। हरियाणा के जींद में किसान संगठनों और खापों ने मिलकर कंगना रनौत का पुतला फूंका और उन्हें हरियाणा चुनाव में न घुसने देने की चेतावनी दी। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लपक लिया, लिखा, किसानों को बीजेपी सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना बीजेपी की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। जेडीयू भी कंगना के विवादित बयान पर भड़क गई। नौबत यह आई कि बीजेपी को बाकायदा बयान जारी करना पड़ा, कहा, कंगना रनौत का बयान पार्टी का मत नहीं है। कंगना के बयान से पार्टी असहमत है, पार्टी के नीतिगत विषयों पर कंगना नहीं बोल सकती। यही नहीं, कंगना को बीजेपी ने कड़ी फटकार भी लगाई, कहा, कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.